नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1, 2 व 3 से संबंधित। इस प्लेलिस्ट में आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ट्राइबल विभाग। ट्राइबल विभाग में जिन पदों पर ज्वाइनिंग नहीं ली गई है उन पदों का क्या होगा, खाली माने जाएंगे या भरे माने जाएंगे। आप सभी को जैसे कि जानकारी है, पता है कि डीपीआई व ट्राइबल दोनों ने जो चयन सूची जारी की है उनमें लगभग अधिकांश अधिकांश अभ्यर्थी एक समान है। अब कोई भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी ज्वाइनिंग एक ही स्थान पर ले सकता है। कुछ डीपीआई के नए चयनित शिक्षकों ने डीपीआई को रुझान देकर ट्राइबल ज्वाइन किया है, तो जो रुझान देकर खाली पद हुए हैं वह पद उस पद उन पदों पर डीपीआई के अभ्यर्थियों को अधिक प्रॉफिट होगा कि ट्राइबल के, इस पर हमने वीडियो बनाया है। यदि आप देखना चाहें तो उसकी लिंक इस वीडियो की इंड स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं कि जिन पदों पर ज्वाइनिंग नहीं ली गई है, डीपीआई में उसी व्यक्ति का नाम था, ट्राइबल में उसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन उस नए चयनित शिक्षक ने डीपीआई में ज्वाइनिंग ले ली है, ट्राइबल में उसने ज्वाइनिंग नहीं ली है, तो उन पदों के साथ क्या होगा? क्या पद वो खाली माने जाएंगे या भरे माने जाएंगे? तो वर्तमान में जो पद है ज्वाइनिंग नहीं ली गई है वह पद खाली माने जाएंगे। जब इसकी सेकंड काउंसलिंग या कुछ सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी या जो भी वेटिंग लिस्ट क्लियर करी जाएगी होगी तो उसमें वो सबमिट की होगी। तो अब प्रश्न उठता है कि जो पद है वह वेटिंग से क्लियर होंगे कि सेकंड काउंसलिंग से क्लियर होंगे? जो पद खाली बचे, जैसे हमने आपको बताया कि वो पद कैसे माने जाएंगे, खाली माने जाएंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि जो पद खाली रहेंगे तो उन्हें वेटिंग अभ्यर्थियों से पूर्ण किए जाएंगे या जो सेकंड काउंसलिंग होगी पुनः वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी उसके माध्यम से पूर्ण किए जाएंगे। तो यदि आप इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं उस पर शीघ्र ही वीडियो लेकर आऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार मित्रों।